गाइस 12 बज चुके हैं और आस्था का बर्थडे शुरू हो चुका है। और आस्था अभी नीचे गई हैं भगवान जी को, और ये आती होंगी और मैं इनका वेट कर रहा हूँ कि कभी ये दरवाज़ा से ये अंदर आए। ये कितने टाइम में ये आती हैं और मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक उनको विश नहीं किया है कि भैया सबके पास हैं, सबका आशीर्वाद ले रही होंगी और मैं वेट कर रहा हूँ। ये दिन है, ये बताइए। 50 पे ही नीचे चली गई थी, हम तो यहीं आई हैं। ये देखिए, मैं 7 मिनट से इनका इंतज़ार कर रहा हूँ गाइस। ये आ गई। हैप्पी भैया बर्थडे टू मुझे यू, हैप्पी बर्थडे थैंक टू यू। मैं 5 मिनट लेट हूँ पर पूरा 5:12 बजे इन्होंने विश नहीं किया। सबसे पहले यू। सुमित ने विश किया 11:50 पे ये नीचे उतर गई। इन्होंने हमसे कहा कि तुम कैमरा लेके वेट करना, मैं आ रही हूँ। मैं तब से कैमरा लेके इनका वेट कर रहा हूँ तो कि क्या ये पहले आएंगी। हाँ इसको गाइस, खाइए। तो गाइस आज है 2 फरवरी और कोई सन में तो हम हुए थे वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं हूँ 16 साल की, बट बहुत अच्छा इन्होंने बाल विवाह किया है, अब आप लोग लगता कंप्लेन मत कीजिएगा। है बट बहुत अच्छा लगता है कि बर्थडे आता है। बट एक तरफ से मुझे दुख भी होता है कि मेरा 1 साल कम हो रहा है। बाकी तो खा लो खा लो। और अब इनसे बोलिए कि इस साल मेरी 5 विश पूछो क्या है, पूछो। सुनाई नहीं दे रहा है ना, ऐसे अभी गाइस नहीं सुन ऐसी रहे बातों को हैं कभी ध्यान नहीं देना चाहिए और कभी भी सुनना नहीं चाहिए। एक विश तो इंसान पूरी नहीं कर पाता है, पांच पांच विश बताइए। और ऐसे ये नहीं सुन रहे फिर साल भर हम भी कहेंगे हमको भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हो। एक बार पूछ तो लो क्या है मेरी विश, पूछो अच्छा एक बार। बताओ क्या ठीक है है तुम्हारे मेरी पांच विश। 5 विश है, मतलब मेरे को मालदीव घूमना है और लंदन जाना है, पेरिस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है। मतलब लंदन पेरिस साथ में कर लो, न्यूयॉर्क अलग करो, मालदीव अलग करो, तीन हो गया। और एक मुझे डायमंड सेट लेना है जिसमें मेरे, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ रिंग लेना है, सिर्फ रिंग कहेंगे तो इजी वेयर हो जाएगा तो ये इनके लिए आसान हो जाएगा। मुझे डायमंड सेट लेना है जिसमें हार रहे एंड इयररिंग्स रहे, नोज पिन रहे और 2 रिंग रहे तो पता नहीं ये इस जन्म में पूरा होगा कि हम लोग को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसका इन्होंने ही जवाब देना है, आप बता देना कब होगा, ठीक, नहीं होगा कि नहीं, होगा होगा, इंतजार कब करो, कब। इंतजार करो, होगा, हाँ काहे अन्ना भी नहीं बोल होगा। दिए होगा तो डेफिनेटली होगा। ये है मेरे घर के साइड वेयर के सामान, ये है पॉलिथीन और इसमें है टी शर्ट मेरी नई, देखिए हमने कैसे रखी है। फिलहाल तो मुझे व्हाइट कलर पसंद है तो व्हाइट कलर की, देखिए मेरी न्यू टी शर्ट है ये। फिलहाल तो आज मैंने ये भी न्यू पहना है। मेरा लुक तो दिखाओ, मैंने ऐसी नीचे दिखाओ, नीचे नीचे ऐसे मैं खड़ी हूँ वैसे दिखाओ। और मैं नीचे से अपना पानी क्यारी करते हुए लेके आई थी, देखिए। मैंने कहा भैया पानी वानी ले चलो, कहीं ऐसा ना हो मेरा बर्थडे है तो मैं ही बार बार नीचे सीढ़ी उतरूं। और थैंक यू जो इन्होंने मेरा वेट किया इतने बजे तक, मतलब 5 मिनट से। फिलहाल तो ये बहुत कम ब्लॉगिंग करते हैं बट आज इन्होंने ब्लॉगिंग किया एंड प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है क्योंकि इस सारी जितना मैंने बताया सब पूरा करेंगे तो इसलिए सबसे अच्छे इंसान है। शादी के 5 साल बट पांच आज साल में इनको मैंने कई बार टूर कराया, इलाहाबाद मतलब नहीं इंडिया का ही बताओ, 4 बार, 5 साल में 4 बार हाँ घूम आई टूर तो कराया बट जो पासपोर्ट ऐसा बैग में रखा है तो ना, मतलब तो ये अभी घूमने का पैसा इंडिया, जब मेरा प्रधानमंत्री अपने देश को प्रचार कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे हाँ बताओ। फिलहाल तो हम लोग लास्ट में शिमला भी गए थे, मनाली भी गए थे और हम लोग जैसे हम दिल्ली भी जा चुके हैं, लखनऊ भी जा चुके हैं, बनारस भी जा चुके हैं और कहाँ गए हैं, विंध्याचल चल जा चुके हैं, मैहर भी गए हैं, आगरा गए, जयपुर आगरा गए, गए, ताज और मथुरा गए हैं। तो बहुत सी चीजें हम लोग गए हैं, कुछ तो हम लोग गए होंगे याद नहीं रहा। फिलहाल तो हम तो इंदौर भी गए हैं और उज्जैन भी गए हैं। उज्जैन तुम्हारे साथ ही गए हैं या
मम्मी पापा के साथ। हाँ, उज्जैन गए हम लोग महाकालेश्वर मंदिर, और तो बहुत जगह हम लोग गए हैं। तो फिलहाल तो हमको विदेश जाना है, तो मेरा कब पूरा होगा, 2 साल में, आने वाले 2 साल में मैं अपना सब ड्रीम पूरा कर लूँगी, और एक मैं बड़ी वाली कार खरीदूँगी, जो कि अभी है i10, पर उससे बड़ी मैं खरीदूँगी, इनोवा सबसे बड़ी होती है। जो भी है, बट जो कि मुझे सिल्क वाली बहुत पसंद है, सिल्क पसंद है तो इन्होंने मेरे लिए लाया है। डेरी मिल्क मुझे पता है इन्होंने शिवांश का लाया है, छोटा, मैं इतनी समझदार हूँ, ये सोच रहा एक ही में दोनों को निपटा दे। तो बस डेरी मिल्क इसकी है, 5 वाली इसकी है, कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी इसके लिए लाए और ये मेरे लिए लाया है। किसके लिए लाए हो साड़ी? और आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं। और हम लोग सो के उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 9। कितने बज रहे हैं कियान? अरे इसकी बात मैं सुन लीजिएगा, कह रहे 1:30। 1:30 तो रात को होता है, बताओ कितने बज रहे हैं? 1:30 नहीं, 1:30 नहीं बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 9। मैं आपको वॉच भी दिखा देती हूँ, इनके पापा देखे कितने बज रहे हैं। जब जागो तब सवेरा। थैंक यू। गाइस देखिए, मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ, सुबह के 9 बजे, और जो कि कियानु बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं रूम, बहुत सारे टॉय है, कितना मैं साफ करती हूँ कितने फैल जाते हैं। और जो कि आज मेरा बर्थडे है, फिर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आज यही दिन बचे हैं, तो चलिए अभी मैं झाड़ू के बाद पोछा भी लगाऊंगी, उसको भी आप पता दिखा पाऊँ नहीं, पर झाड़ू तो मैं बहुत अच्छा लगाती हूँ। देख लो कितने सारे कचड़े निकले हैं सारे। गाइस को आपको बुलाना चाहिए। कमेंट पे लिखिए मेरे यहाँ आइए और झाड़ू लगाइए, फ्री में लगाएंगे बर्थडे के दिन। नहीं नहीं, नीचे तुम्हारा नंबर डाल देंगे, आप इनसे संपर्क करिए, हमसे भी अच्छा लगाते हैं। मैं गंदा लगाता हूँ, मेरे को आता ही नहीं है। तुम्हें सब आता है, मेरे को नहीं आता है। हटो जल्दी जल्दी जल्दी, तो देखना लेडीज डॉन का काम। लेडीज डॉन गैंगस्टर नहीं बोलना। देखिए एक एक कोना देखिए गाइस, एक एक कोना देखिए, ये देखिए। तब क्या तेल लगा के दिन भर रहोगे? नहीं, आज कहीं चलेंगे ना आपके साथ, तो मैं पहले अरे से, रे 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 बाबा, मैं पहले से अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि अभी ये देखिए इनको घूमने जाने की तैयारी कर रही हैं। हम तो सोचा तेल लगा के दिन भर चलो अच्छा है, घर के अंदर रहेंगे कि कहीं जाना। तो फैमिली मैं यहाँ नहा रही हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, ऐसा नहीं मैं बहुत ज्यादा कुछ मेकअप वेकअप किया है नहीं। मैंने पहनी आज रेड कलर की साड़ी, और शिवांश भी, शिवांश को लग रही बहुत ठंड, शिवांश ने लगाया गैप। अच्छे से फेस स्माइल करो, ये कैसा फेस बना रहा है? आज किसका बर्थडे था? और फिलहाल तो मैं खाना बनाऊंगी, अभी थोड़ा तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि शाम को हम जाएंगे बाहर, तो मैंने कहा थोड़ा सा करके चलेंगे तो इजी वेयर में आएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। और मुझे पता नहीं धूप सी लग रही है, जो कि धूप इतनी है नहीं, बट है उधर धूप, और मेरी आँख में बहुत चुभती है सूरज की रोशनी। अगर मैं ड्राइव करती हूँ और मैं सनग्लासेस नहीं लगाया तो मैं बिल्कुल भी ड्राइव, बहुत मुश्किल है मुझे करना। बस चलिए,